हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आपके बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं और इन्हीं ईमेल्स में से हमने एक समस्या को चुना है। आज की इस समस्या के बारे में या तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे और या फिर जो लोग जानते होंगे वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते होंगे, पर हम इस समस्या के बारे में आपको जानकारी देंगे ताकि अवेयरनेस फैले। हमारे एक व्यूअर हैं जिनको हाइपोस्पेडियस है, जिससे कि वो बहुत परेशान है। इसके लिए उन्होंने 2 बार सर्जरी भी करवाई पर इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि हाइपोस्पेडियस एक कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी है, यानी कि जन्मजात विषमता। ये हर 200 में से एक बच्चे में देखने मिलती है और 100 में से 7 बच्चे जो इस एबनॉर्मलिटी का शिकार होते हैं उनके पिता को भी इसी तरह की परेशानी होती है, यानी कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस एबनॉर्मलिटी में बच्चे के लिंग का छेद लिंग के सिरे पर यानी कि टिप पर ना होकर लिंग के निचले हिस्से या कभी कभी तो लिंग के मध्य भाग के निचले हिस्से में भी होता है और कभी कभी तो ये अंडकोश के पास भी होता है। यूरेथ्रा एक ऐसी पतली ट्यूब होती है जो सीधे आपके लिंग के सिरे पर खुलती है। इसी के थ्रू आपका यूरिन बाहर डिस्चार्ज होता है, पर इसके अलावा इसका एक और काम होता है कि इजैकुलेशन के समय शरीर से स्पर्म्स को बाहर निकालना। पर हाइपोस्पेडियस होने पर यूरेथ्रा की छेद लिंग के सिरे पर ना होकर लिंग के निचले हिस्से में होती है और इसका पता बच्चे के जन्म के समय ही उसकी मूत्र की दिशा को देखकर लग जाता है। और इसके अलावा फोरस्किन की बनावट भी इस विषमता को दर्शाती है। या तो फोरस्किन ठीक ढंग से बन ही नहीं पाती और अगर बन भी जाती है तो फोरस्किन की बनावट में गड़बड़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा लिंग भी नीचे की ओर झुका हुआ और टेढ़ा होता है। अगर माँ के पेट में भ्रूण के विकास के समय यूरेथ्रा और फोरस्किन का विकास करने वाले हार्मोन में गड़बड़ी आ जाए तो भी शिशु में हाइपोस्पेडियस देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चे के जन्म के समय ही इस विषमता का पता चल जाता है तो बच्चे की 3 से 18 माह की उम्र में ही करेक्टिव सर्जरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि इस समस्या का सर्जरी के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है और बच्चे की सर्जरी आसान भी होती है और इफेक्टिव भी। और वैसे भी ये सर्जरी किसी भी उम्र में करवाई जा सकती है, बच्चे के जवान होने के बाद भी। अगर इस विषमता को इग्नोर कर दिया जाए तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ना सिर्फ यूरिन डिस्चार्ज करने में बल्कि इरेक्शन में भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सेक्स के समय आपका लिंग नीचे की ओर मुड़ा हुआ होगा तो आपकी सेक्स लाइफ में भी दिक्कतें आएंगी। इन सब के अलावा लड़कों पर हाइपोस्पेडियस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि फोरस्किन का विकास ठीक से नहीं हो पाने के कारण फोरस्किन जैकेट के खून जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए उन्हें पब्लिक टॉयलेट यूज करने में शर्म या दिक्कत महसूस हो सकती है। पर इसका सबसे बुरा असर यह है कि सेक्स करते समय आपका वीर्य आपके पार्टनर की योनि में प्रवेश ही नहीं कर पाता और इससे इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए करेक्टिव सर्जरी करा लेनी चाहिए। वैसे तो एक सर्जरी में ही ये ठीक हो जाता है, पर कभी कभी एक से ज्यादा सर्जरीज भी करवानी पड़ सकती हैं। हमारे व्यूअर को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपनी जांच करवाएं। कंसल्टेशन के लिए जाने से पहले उसके बारे में थोड़ी मालूमात कर लें और डॉक्टर की रेपुटेशन के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स ही अच्छी सर्जरीज को अंजाम दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आई होप आज का ये टॉपिक सबको पसंद आया होगा। आप हमें ऐसे ही ईमेल्स भेजते रहिए ताकि हम आपके इश्यूज को अपने वीडियोस के थ्रू सॉल्व कर सकें। तो बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरे पार्टनर का कहना है कि मेरी योनि में से स्मेल आती है, जिस वजह से उसका सेक्स करने का मन नहीं करता और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं अगर उनके जीवन में भी कोई परेशानी है शारीरिक या मानसिक तो वो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को आज ही सब्सक्राइब करें।